नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त सुनील कुमार तिवारी। आइए आपको एक नए धार्मिक स्थल बिहार के सबसे प्राचीन और प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक माँ मुंडेश्वरी देवी मंदिर के दर्शन हेतु आपको ले चलते हैं। सबसे पहले आप सब माँ मुंडेश्वरी देवी मंदिर के आधा शिविर से मंदिर की तरफ जाने वाले पहाड़ी रास्ते के प्राकृतिक सौंदर्य को दृश्यावलोकन कराते हैं। पहले देखिए कितनी अद्भुत छटा है प्राकृतिक सौंदर्य की, उसके बाद मंदिर के इतिहास के बारे में बात करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल पर एक लाइक और कमेंट जरूर करें। मेरा चैनल दबराश ट्रैकर ऐसे ही आपको वीडियो दिखाता रहेगा। धन्यवाद। मेरे चैनल पर एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। बात करते हैं मुंडेश्वरी देवी जी के मंदिर के इतिहास के बारे में। इस मंदिर का निर्माण छत्रप राजा उदय सेन के शासनकाल में हुआ था और 608 फीट ऊंची पौरा पहाड़ी पर यह मंदिर बना है। इस मंदिर का निर्माण काल 635 से 636 ईस्वी के आसपास हुआ है और यह मंदिर बिहार राज्य के धार्मिक न्यास परिषद के अधीन में है और मंदिर के उल्लेख बहुत से शिलालेखों में मिलता है। सबसे पहले एक स्थानीय राजा के द्वारा संवत्सर के तीसरे वर्ष के कार्तिक मास में 22वें दिन किया गया अनाज और तेल का प्रबंध, इससे सिद्ध होता है कि यह मंदिर उनके शिलालेख से पहले ही विद्यमान था। और एक अन्य शिलालेखों के अनुसार महाराजा दुग्धगामिनी की मुद्रा में भी उल्लेख है। यह बौद्ध साहित्य अनुसार अनुराधापुर वंश के थे और ईसा पूर्व 101 से 77 ईसा पूर्व में श्रीलंका के शासक थे। और इस मंदिर का उल्लेख कनिंघम ने भी अपनी पुस्तक में किया था। इस मंदिर की खासियत यह है कि मनोकामना पूर्ण होने पर श्रद्धालु द्वारा खस्सी बकरा चढ़ाया जाता है। बकरे को पुजारी द्वारा मां मुंडेश्वरी के चरण में रख करके चावल मां के चरण का स्पर्श कराकर बकरे पर फेंका जाता है, जिससे बकरा अचेतावस्था में माँ के चरण में गिर जाता है। कुछ क्षण बाद पुनः पुजारी माँ के चरण से अक्षत स्पर्श करके बकरे पर फेंकते हैं तो बकरा तुरंत उठ जाता है और भक्त माँ के जय जयकारे लगाते हैं और इस प्रकार माँ के द्वारा प्रतीकात्मक बलि पूर्ण होती है। ये माँ के मंदिर का प्रवेश द्वार है, पश्चिमी प्रवेश द्वार, जहाँ पर नंदी जी विराजमान है और सामने जो है नारियल फोड़ने के लिए एक जगह टिनशेड बनाया गया है। और मैं आपका दोस्त सुनील तिवारी वीडियो बनाते हुए सामने माँ की मंदिर बहुत ही उत्तर गुप्तकालीन शैली में बनाया गया है और मंदिर के शिलालेखों और भग्नावशेषों को देख करके ये आभास होता है कि किसी ने मंदिर को तोड़ने के मकसद से कई जगह मूर्तियों को तोड़ा है। कुछ लोग बताते हैं कि औरंगजेब के शासनकाल में मजदूरों को तोड़ने हेतु लगाया गया था, लेकिन अनहोनी घटना होने लगी जिससे कि वो डर के सब भाग गए और मंदिर 1900 वर्षों से आज तक
अविच्छिन्न रूप से उसमें पूजा होती आ रही है और आज भी मंदिर पूरी तरह जीवंत है। आइए अब बात करते हैं माँ मुंडेश्वरी देवी मंदिर स्थापना के उद्देश्य की। एक बार चंड मुंड युद्ध में जब चंड की मृत्यु के पश्चात मुंड की मृत्यु हेतु माँ उद्यत हुई तो यह जाकर के इसी पहाड़ी पर छुप गया था। यहीं पर माँ ने उस मुंड का वध किया था। इससे यहीं पर मुंडेश्वरी देवी की स्थापना की गई और आदि काल से ही यहाँ पर मुंडेश्वरी देवी की स्थापना पूजन जारी है। आइए दर्शन करते हैं माँ मुंडेश्वरी देवी के। सीढ़ियों की तरफ से माँ मुंडेश्वरी की तरफ जाने वाला रास्ता और मंदिर का मेन द्वार दक्षिणाभिमुख है, जहाँ से निकास द्वार है, और पश्चिमी द्वार से हम लोग प्रवेश करते हैं। जय माँ मुंडेश्वरी देवी। माँ मुंडेश्वरी देवी का प्रवेश द्वार सामने है, यहीं से हम लोग प्रवेश करेंगे। माँ मुंडेश्वरी देवी के सामने का ये विहंगम दृश्य, माँ मुंडेश्वरी देवी का ये उत्तर गुप्तकालीन जो मंदिर है उसको भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ऊपर गुंबज बनाने का प्रयास कर रहा है कि उसी शैली में बनाया जाए। देखिए माँ की अनुकंपा कब होती है और ये माँ मुंडेश्वरी देवी के स्थल से हम लोग दर्शन करते हुए माँ मुंडेश्वरी देवी का प्रवेश द्वार, जहाँ से हम लोग अंदर एंट्री करेंगे। मालाओं से आच्छादित माँ मुंडेश्वरी देवी और ये पंचमुखी महादेव माँ की प्रतिमा मुंडेश्वरी देवी जी की। जय चंडमुंड विनाशिनी माँ मुंडेश्वरी देवी। मुंडेश्वरी देवी मंदिर सीढ़ियों से दर्शनों प्रांत श्रद्धालु बाहर जाते हुए दाहिनी तरफ पेयजल की व्यवस्था, सामने की तरफ जाने वाला रास्ता नीचे सीढ़ियों से होते हुए पार्किंग स्थल की तरफ जाएगा।
जय माँ मुंडेश्वरी देवी। इसी तरह सभी लोगों के मनोकामना पूर्ण करती रहिए। नमश्चंद्रिकायै। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विद्महे। जय माँ मुंडेश्वरी देवी। मुंडेश्वरी देवी से नीचे तरफ सीढ़ियों द्वारा हम लोग नीचे जाते हुए जहाँ पार्किंग स्थल पर गाड़ियाँ खड़ी हैं, प्राकृतिक दृश्यावलोकन पहाड़ी से माँ के मंदिर पर पेयजल की उत्तम व्यवस्था है। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सत्यं नमः। नमः प्राकृत्यै भद्राय नेता प्रवृता स्मृताम्। मुंडेश्वरी देवी के गेट द्वार से सीढ़ियों वाला रास्ता जाता है, वहाँ पर कुछ फोटोग्राफर गेट के सामने खड़े होकर फोटो खींचने खींचते हैं। ये अंतिम दर्शन कर लीजिए पंचमुखी महादेव शिवलिंग का, मुंडेश्वरी देवी का गर्भगृह में प्रेमा मुंडेश्वरी देवी। मुंडेश्वरी देवी मंदिर दक्षिण से माँ मुंडेश्वरी देवी मंदिर। अब वापसी पार्किंग स्थल से हम लोग अब वापस नीचे की तरफ जा रहे हैं। ये सामने सीढ़ियों वाला रास्ता प्रवेश द्वार। पूरा पहाड़ी प्राकृतिक सुंदरता से आच्छादित है।
सुंदर सुंदर दृश्य दोनों तरफ दिखाई देंगे। विशेष रूप से जब पहाड़ी से नीचे की तरफ छोटे छोटे गांव दिखाई देंगे, ये सड़क मार्ग नीचे की तरफ मिल जाते हुए। आधार शिविर की तरफ यहाँ से कुछ डाइवर्जन रूट एक बार पुनः आप लोगों से निवेदन है कि मेरे इस चैनल बनारसी ट्रेकर को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें। आपका मित्र ऐसे ही आपको प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर जगहों के दर्शन कराते रहेंगे। मेरे द्वारा बनाया वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं कमेंट करके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए। जय मां मुंडेश्वरी देवी।